स्टार्ट। मनीष कोठारी और बल्लेबाज अंकित, फुल टॉस बॉल, नो बॉल, पहली गेंद एक्स्ट्रा के रूप में आती हुई, फ्री हिट मिलता हुआ यहां पर। फ्री हिट का इशारा हमारे मुख्य अंपायर संजय साहू के द्वारा। और यदि अब स्ट्राइक पर अंकित है क्या? हालांकि फ्री हिट बॉल थी तो कोई नुकसान नहीं वहां पर अंकित को, लेकिन अच्छे कमबैक, पहली गेंद शायद हाथ से फिसल गई। श्रेयांश झावक अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, श्रेयांश झावक अच्छी गेंदबाजी वहां पर श्रेयांश की, अच्छा कमबैक करते हुए पहली गेंद को हटा दिया जाए तो तीन गेंद एकदम कमाल की फेंकी अब तक उन्होंने इस बड़े एलिमिनेटर मुकाबले में। जो भी टीम यह मुकाबला जीतेगी, कांगेर किंग्स के साथ क्वालिफाइड टू का मुकाबला होगा उनका आज ही रात में, तो अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे अंकित। इस बार अच्छा कनेक्शन बैटर बॉल का, हालांकि फील्डर से वहां चूक हुई, हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने रन लेना मुनासिब नहीं समझा, फलस्वरूप एक और डॉट बॉल आता हुआ। चार गेंदों में अब तक केवल दो ही रन खर्च किए, सर्कल का पावर प्ले कवर चलता हुआ, सुपर डैडी की टीम। फुल टॉस बॉल और इस बार सही नसीहत, स्क्वायर लेग रीजन पर चार रन और शानदार चौके के स्पॉन्सर हैं हमारे। फुल टॉस बॉल पर सही नसीहत देते हुए पहली खराब, दूसरी खराब गेंद उस ओवर की श्रेयांश के द्वारा। क्या कहना चाह रहे हैं सेट डगआउट से? किसी भी प्रकार का आवाज नहीं आने का अपील करते हुए बॉलिंग करते वक्त। हेलो, क्या बात है अंकित, कमाल का छक्का, शानदार सिक्स लगता हुआ कवर्स के ऊपर से छह रनों के लिए।
नमन अपने कोटे का प्रथम ओवर और टीम के लिए द्वितीय ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे मनीष। यह पावर प्ले का अंतिम ओवर तो निश्चित ही एक इस ओवर को बड़ा करने का प्रयास रहेगा दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों को। क्या बात है, करारा चौवा लगता हुआ यहां पर, क्या बात है मनीष कोठारी, गजब का कवर ड्राइव 4 रनों के लिए। इज स्पॉन्सर बाय हाईवे टायर्स, हर मोड़ हर राह पर चलता है। चेक, थोड़ी सी छोटी गेंद बैक ऑफ लेंथ, फलस्वरूप कोई मौका नहीं मनीष के पास इस बॉल को पुल करने का। सो डॉट बॉल आता हुआ, इस बार कनेक्शन अच्छा हुआ लेकिन संयम के हाथों में बॉल सीधा वन बाउंस जाती हुई। अच्छी फील्डिंग, अच्छी सिंगल लेते हुए वहां पर, तो धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज मनीष और अंकित। अंकित जहां 10 रन पर पहुंच गए तो मनीष ने भी एक बाउंड्री से अपना खाता खोला था। स्कोर अब 17 रनों पर जा पहुंचा है, अब तक 9 गेंदे इस पारी की फेंकी जा चुकी हैं। फिर से बैक फुट पर जाकर स्क्वायर लेग रीजन पर एक अच्छा शॉट लगाने का प्रयास था लेकिन डॉट बॉल। तो अंकित जैन कुछ शायद इस पावर प्ले में बड़ा रन बनाने का प्रयास करने पर लगातार कोशिश करते हुए देख रहे हैं कि क्या कामयाबी मिलती है उन्हें। अब फिर नमन, फिर से बैकफुट पर पुल शॉट खेलना चाहते थे, फलस्वरूप फिर से बॉल पैरों में लगी। कमाल की गेंदबाजी नमन की चलती हुई, पहली गेंद में हालांकि एक चौवा जरूर लगा उन्हें लेकिन क्या गजब की वापसी उसके पश्चात। 4 बॉलों में अब तक एक ही रन खर्च किए हैं इस ओवर में, 5 गेंदे फेंकी जा चुकी है, मात्र 5 रन। तो कमाल का ओवर चलता हुआ नमन का, पावर प्ले में इतनी सटीक लाइन लाइन से गेंदबाजी करना काफी बड़ा कार्य और उस पर सफलता हासिल करते हुए भाई नमन लोढ़ा। फिर से स्विफ्ट शॉट का प्रयास और अंततः एक गजब की डिलीवरी से इस ओवर का समापन हुआ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भाई नमन की, लगातार 3 डॉट बॉल करवाते हुए अंकित से। तो सुपर डैडी की टीम इस मैच में प्रारंभ से ही पकड़ मजबूत करती हुई।
यॉर्कर लेंथ की गेंद, उस पर कोई बड़ा प्रहार नहीं कर पाए मनीष कोठारी। फलस्वरूप डॉट गेंद से प्रारंभ होता हुआ, तो इस शानदार टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर हमारे जेके ग्रुप्स अभिषेक संचेती जी, उनका दिल से आभार शुक्रिया अभिवंदन। संयम एक बार फिर अपनी अगली गेंद लेकर, परफेक्ट बॉलिंग रनअप उनका। फुल टच बॉल और शुड बी अ वेरी गुड कैच। दोनों ही खिलाड़ी के मध्य टकराव देखने को मिला, लेकिन एक अच्छी बात की उस खिलाड़ी ने फंबल नहीं किया, अंततः एक बड़ा विकेट हासिल करते हुए इस जोड़ी को तोड़ते हुए। जेके ग्रुप प्रेजेंट्स जैन यूनिटी क्रिकेट लीग सीजन 2। आज हेलो लीग का छठवां दिन और करंटली द मैच हैपनिंग विथ सुपर डैडी वर्सेस नगीना जेम्स क्वालिफायर। And we'd like to thank all the sponsors of श्रेयांश दुग्गड़, सात नंबर की जर्सी पहने आ गए हैं क्रिस पर। और मैं सारे ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि कल हमारा लास्ट डे और क्लोजिंग सेरेमनी, जहां पे आपको दिखेगा शो मैच जीतो रायपुर विंग वर्सेस रायपुर सराफा एसोसिएशन फ्रॉम 5 o'clock। सो आप सारे ऑडियंस से निवेदन और आमंत्रण। अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा क्विक सिंगल दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, इस तरह सिंगल से लगातार स्ट्राइक को बदलते हुए अब स्ट्राइक पर आ गए हैं हमारे। सो कल अंकित पारे हमारा लास्ट डे, सीजन 2 का लास्ट डे, और कल होने वाला है क्लोजिंग सेरेमनी 6 o'clock टाइमिंग फॉर क्लोजिंग सेरेमनी। नहीं भैया, अरे नहीं, बहुत ही अच्छा शॉट लेकिन स्ट्रेट टू फील्डर, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर। सो फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी वी हैव अ शो मैच ऑफ जीतो रायपुर विंग वर्सेस रायपुर सराफा एसोसिएशन। तो संयम का एक कमाल का ओवर चलता हुआ, फिर से अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ का लगातार प्रयास और उस पर कारगर साबित होते हुए, और सिंगल से इस ओवर का समापन होगा दोस्तों। इस बीच 3 ओवर की समाप्ति पर 18 रन 19 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर टीम नगीना जेम्स, काफी महत्वपूर्ण और अहम मुकाबला। जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो क्वालिफाई 2 खेलेगी हमारी कांगेर किंग्स 11 टीम से, जिसे नगीना महावीर इंडियंस ने हाईवे टायर्स स्वास्तिक वायर्स एंड सहेली ज्वेलर्स, सहेली ज्वेलर्स सोन ऑन 15th of November एट सदर बाजार। नए गेंदबाज सन्नी, हमारे डिजिटल पार्टनर हैं डिजिलेट, आर इवेंट्स पार्टनर कार्निवल इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट, आर फूडिंग पार्टनर। Anything there.
और यहां पर कॉट बिहाइंड पहली गेंद पर अंकित पारेख बड़ा विकेट हासिल करते हुए कुछ बड़ा योगदान आज नहीं कर पाए, हालांकि एक छक्का चौका जरूर लगा लेकिन उसके बाद भी बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे अंकित। अंततः उन्हें पवेलियन की राह दिखाई हमारे सन्नी ने और बहुत ही अच्छा कैच बिहाइंड विकेट पीयूष डागा के द्वारा, बहुत ही बड़ा विकेट नगीना जेम्स को। और नगीना जेम्स इस पूरे लीग में कहीं ना कहीं एक उनकी किस्मत बहुत तेज रही है कि बहुत ही स्ट्रगल से भी वो उन्होंने उभारा है उनके प्लेयर्स ने, तो इस बार क्या किस्मत चमकती है। और हमारे मेडिकल पार्टनर श्री लक्ष्मी मेडिकल और ट्रॉफी पार्टनर भव्य ज्वेलर्स अभनपुर और ड्रिंक टाटा कॉपर का पानी और गिफ्टिंग पार्टनर जैन मोबाइल और फोटोग्राफी पार्टनर आकाश कैमरा। थर्ड मैन की दिशा में और वी लाइक टू थैंक ऑल द स्पॉन्सर्स चाय गोविंदम नीव टीएमटी एनडीसी नाकुरा डेंटल क्लिनिक हर मुस्कुराहट की एक ही पहचान एनडीसी। Our event is initiated by Israelites and Freedom Marketing, Nakura Jewelers, Shanti Vijay Advertisers, The Values, or Nagina Gems. और यहाँ पे आप देखेंगे बॉन्ड दो सगे भाई पिच में, क्या उस बॉन्ड की जोड़ी फेविकॉल की जोड़ी जो है वो यहां तोड़ने में सुपर डैडी कुछ कमाल कर पाएगी कि यहां से अब नगीना जेम्स जीत की ओर आगे बढ़ेगी। और हां बिल्कुल सही, जो जोड़ की बात हमने की थी पहले ही बॉल में यहां पे उन्होंने 6 बाउंड्री की पार जिसके स्पॉन्सर है लॉन्ड्री हाउस, क्योंकि दाग अच्छे नहीं है। और एलईडी में हमारे शांति विजय एडवर्टाइजर्स छत्तीसगढ़ की जानी मानी कंपनी मार्केटिंग सॉल्यूशंस। छत्तीसगढ़ में 40 वर्षों से अपनी सेवाएं पहुंचाते हुए हर मार्केटिंग सॉल्यूशंस का एक ही नाम शांति विजय एडवर्टाइजर्स, दिल से प्रणाम। 4 ओवर 29 रन। और साथ ही हमारे मार्गदर्शक कुलदीप जी जुनेजा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दो छोटे भाई गौरव सराफ एंड विशेष ओसवाल। और साथ ही हमारे पीयूष झाबक
मोहित बेगानी एंड चिन्मय जैन। बॉल, क्या गजब की डिलीवरी, क्या गेंदबाजी यहां करते हुए अंकित। क्लास की गेंदबाजी यहां पर अमोल, पहली ही गेंद पर समझ ही नहीं पाए ऑफ स्पिन को और बोल्ड होकर पवेलियन जाते हुए। काफी बड़ा नुकसान यह इस ओवर में, अब तक दो बड़े बड़े नुकसान हो चुके हैं और ऑन हैट्रिक अंकित जैन। नए बल्लेबाज मेहुल, ऑन अ हैट्रिक अंकित जैन, वेरी गुड बॉलिंग, 1008 नंबर की जर्सी पहने हुए। क्या यहां पर मेहुल, क्योंकि अभी अभी क्रीज पर आए हैं, अपनी टीम को कुछ अच्छी पोजीशन पर पहुंचा पाएंगे। अभी तो इसके पश्चात 5 ओवरों का खेल बचा है, इसके पश्चात फुल टॉस बॉल और बेहतरीन सेव। इट्स अ नो बॉल, इट्स अ नो बॉल माय फ्रेंड। काफी अच्छा सेव वहां पर संयम के द्वारा, निश्चित ही अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 5 रन बचाए अपने हाइट का, बहुत ही ज्यादा फायदा उठाते हुए वहां पर, जिसके कारण उनकी टीम को यहां पर 5 रनों का बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता हुआ हाइट का। यही तो एक अच्छे कद काठी के होने क्या का फायदा मिलता है दोस्तों, अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए। यहां पर बोल्ड आउट जरूर किया, लेकिन चूंकि यह फ्री हिट गेंद थी तो यहां पर कुछ नुकसान नहीं, फलस्वरूप डॉट बॉल आता हुआ और अब हो चुका है ड्रिंक्स ब्रेक। तो अंकित का यह लाजवाब ओवर, एक ओवर में 3 रन खर्च किए, 2 बड़ी सफलता हासिल की और इस ड्रिंक्स ब्रेक के स्पॉन्सर हैं साई बेवरेज, टाटा कूपर वाटर।
32 रन ऊपर लगने वाले हैं। पांचवा झटका टीम नगीना जेम्स को। मेहुल आज भी कुछ बड़ा रन नहीं कर सके अपनी टीम को। और यहां पर सुपर डैडी काफी प्रभावित करती हुई अपनी गेंदबाजी से यहां पर एक दबदबा सा कायम कर लिया है। 6 रन पर ओवर का यहां पर रन बनाने औसत देते हुए 5 खिलाड़ी, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है, तो काफी मुश्किल भरी परिस्थिति में नजर आती हुई नगीना जेम्स। नए बल्लेबाज का नाम प्रवेश दुग्गड़। प्रवेश दुग्गड़ बहुत ही कमाल की गेंदबाजी सन्नी के द्वारा। प्रवेश टीम के कप्तान और ओनर अब क्रीज पर आ गए हैं। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, देख रहे हैं कि अपनी टीम पर, टीम को कितना आगे ले जा पाते हैं यह जोड़ी। एक महा मुकाबले में सुपर डैडी की टीम यहां पर पूरी तरह हावी होते हुए नगीना जेम्स पर। फुल टॉस बॉल, ठीक आउटसाइड एज और एक ही रन लेने का मौका। तो इस सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए टीम के कप्तान क्या कमाल का रिवर्सिप शॉट 6 रनों के लिए। That's a very good shot from Shreyansh. श्रेय एक माफी चाहूंगा। और इस शानदार रनों के साथ पहला छक्का उनके खाते का लगता हुआ। इस शानदार सिक्स के स्पॉन्सर है हमारे लॉन्ड्री हाउस, बेहतरीन रिवर्सिप शॉट। इस बार अच्छा डिफेंस, समझदारी से बल्लेबाजी चलती हुई। बहुत अच्छा शॉट पॉइंट की दिशा में 1 रन के लिए। अच्छी रनिंग और अच्छा सोच, विकेटों का पतन लगातार होता हुआ, तो वहां पर कुछ देर अंकुश लगाने की जरूरत। अभी भी 4 ओवर इसके पश्चात उनके पास है। कुछ देर यदि विकटों पर अंकुश लगे और 15 से 20 रन बनवाए आगे के 2 ओवरों में, तो अंतिम 2 ओवरों में बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं टीम नगीना जेम्स। और इस बीच कमाल का एक और ओवर लेकर आते हुए अंकित जैन, 1 ओवर में महज 2 रन खर्च कर 2 बड़ी सफलताएं हासिल की थी। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट था अमोल का। अच्छे खिलाड़ी अमोल टीम नगीना जेम्स के लिए। देखना है कि इस ओवर में कौन सक्सेस हासिल करता है, श्रेयक या फिर अंकित। बहुत ही अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, डायरेक्ट हिट वाज रिक्वायर्ड। अच्छे फील्डिंग श्रेणी के द्वारा अंडर आर्म जबरदस्त थ्रो। बहुत ही अच्छा शॉट लेकिन स्ट्रेट टू संयम। बहुत ही अच्छे फील्डर है मिड विकेट की दिशा में। धीरे धीरे लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा करती हुई टीम नगीना जेम्स। ओहो, दैट्स अ वेरी गुड बॉलिंग। रिवर्सिप खेलते पहले ही देख लिया था बल्लेबाज को, गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा और डॉट बॉल आता हुआ। पहले बाउंस का पिल, इस बार फिर से अच्छा शॉट लेकिन टीम के कप्तान वहां पर मौजूद। एक ही रन मिलेगा।
क्या यहां पर कैच आउट होंगे अपने ही फॉलो थ्रू में अंकित, और कैच लपकते हुए किसी भी तरह का वहां पर कॉल नहीं था दोनों ही फील्डरों के मध्य। हालांकि अंकित ने अच्छी तरह अंत समय में भी अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखा और एक अच्छा विकेट हासिल किया, तो इस ओवर में एक और सफलता अपने नाम करते हुए कॉट एंड बोल्ड। तो टीम नगीना जेम्स और भी मुश्किलों में घिरती हुई, छठवां विकेट गिर चुका है 43 रन के कुल योग पर। सात ओवर 44 रन, रौनक जैन नए बल्लेबाज। श्रेयांश छाबक अपने कोटे का द्वितीय और टीम के लिए आठ ओवर लेकर पावर प्ले का यह ओवर। बोल्ड आउट यहां पर रौनक बोल्ड आउट होकर पवेलियन जाते हुए, तो यहां पर काफी संकटों में घिरती नजर आती हुई नगीना जेम्स गिव अप करती हुई नजर आ रही है। कोई भी बल्लेबाज अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं, आज किसी भी बल्लेबाज का बल्ला नहीं चल पाया है। मुन्ना जैन अनुभव नए बल्लेबाज, आज नगीना जेम्स काफी खराब बल्लेबाजी करते हुए नजर आती हुई, लग ही नहीं रहा है कि एलिमिनेटर का यह मुकाबला होता हुआ, सुपर डैडी का दबदबा कायम है। बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे लेकिन बॉल इतनी तेज तर्रार की कोई मौका ही नहीं टाइमिंग करने का, फलस्वरूप एक और डॉट बॉल। बहुत ही अच्छा शॉट और कैच आउट, तो एक और विकेट यहां पर कप्तान ने अच्छी तरह कैच लिया। और एक बड़ा विकेट हासिल करते हुए एक और विकेट का पतन
टीम नगीना जेम्स के लिए। और इस बार बैट्समैन थे अनुभव, जो कि बिना खाता खोले पवेलियन जाते हुए, अच्छा फील्डिंग वहां पर टीम के कप्तान श्रेनिक का। इस बार कोई गलती नहीं की उन्होंने इसे लपकने में, फलस्वरूप आठवां विकेट का पतन हुआ। वरुण पारक नए बल्लेबाज, और इस बीच दूसरी सफलता इस ओवर में लेते हुए श्रेयक जैन। श्रेयांश झाबक सॉरी, अच्छी बॉल उतना ही अच्छा शॉट, क्या बात है। श्रेनिक की थोड़ी सी अटैकिंग फील्डिंग वहां देखने को मिली, अच्छा बैकअप वहां पर नमन लोढ़ा का, अन्यथा चार रन और मिल जाता और एक और सिंगल। तो आठ विकेटों के पश्चात आठवें ओवर के चलते मात्र 45 रन ऑन द बोर्ड, सो दैट्स अ वेरी पुअर बैटिंग टुडे फ्रॉम नगीना जेम्स। अनएक्सपेक्टेड बिकॉज यू आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट एलिमिनेटर। ओहो, क्या जबरदस्त लाइन लेंथ की गेंदबाजी खींच कर रखी थी इस बार गेंद को, फलस्वरूप एक और डॉट। अंततः आठवां ओवर समाप्त हुआ और मात्र 45 रन ऑन द बोर्ड, सो दैट्स अ वेरी गुड अटैकिंग बॉलिंग फ्रॉम सुपर डैड इज ऑन। अपने निर्णय पर सही साबित होते हुए, सभी टीम कप्तान के उस निर्णय को सही साबित करते हुए, पूरी टीम मिलकर सभी गेंदबाजों ने आज कमाल की गेंदबाजी की। संयम, पूनम मार्केटिंग एंड से अपने कोटे का दूसरा और टीम का नौवां ओवर लेकर आए, काफी अच्छे गेंदबाज। अब तक केवल दो ही रन खर्च किए थे पिछले ओवर में और एक बड़ी सफलता हासिल की थी। मैच तुरंत होगा कि आधा घंटा गैप के बाद, आधा घंटा मिलना चाहिए, अगर थके नहीं होंगे तो खेल भी लेंगे। नए गेंदबाज बहुत अच्छी गेंद। अब यहां पर टीम नगीना जेम्स के छल्ले बल्लेबाज कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हुए, हालांकि महत्वपूर्ण बल्लेबाज आज कुछ खास नहीं कर पाए, बल्कि एक प्रकार से ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं इस बड़े मुकाबले में। यदि यहां पर से नगीना जेम्स हारती है तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। क्या बात है, कमाल की गेंदबाजी, लुक एट द लाइन एंड लेंथ, परफेक्ट डिलीवरी, गुड लेंथ से यहां पर गेंदबाजी करते हुए, अपनी हाइट का भरपूर उपयोग करते हुए, परफेक्ट लाइन लेंथ और डॉट बॉल लगातार दूसरा इस ओवर का। एक और विकेट श्योरली आता हुआ नहीं, क्या एफर्ट लगाया वहां पर नमन ने, गजब का एफर्ट। हंड्रेड परसेंट एफर्ट नमन के द्वारा, जबकि बोर्ड पर ज्यादा रन नहीं है फिर भी उनके एफर्ट में कोई कमी नहीं इस कैच को लेने में। तो खाता खोल पर उनका यह दूसरा रन, ओहो, श्रेयांक श्रेयक जितनी ज्यादा हो सके स्ट्राइक रखने का प्रयास करना चाहिए उन्हें। अंतिम आठ गेंदे पहली इनिंग की आना शेष, अगर पांच से कम पांच छक्के भी वे लगाते हैं तो निश्चित ही कुछ डिफेंस करने के लिए उनके स्कोर पे तो रहेगा।
रिवर्सिव शॉट का प्रयास, कॉट बिहाइंड की लाउड अपील, पैर में लगी शायद यह गेंद और डॉट बॉल। तो संयम का अच्छा ओवर चलता हुआ, दैट्स वेरी गुड बॉलिंग फ्रॉम संयम। दूसरा ओवर के चलते केवल 3 रन खर्च किए और एक ही सफलता आज उन्हें अर्जित हुई है। देखना है कमाल का 6, फुल टॉस बॉल और सही नसीहत आउट ऑफ द पार्क। दैट्स वेरी गुड बैटिंग इन द लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर। श्रेयक अपने कोटे को 14 रनों पर ले जाते हुए बेहतरीन 6, और इस शानदार 6 के स्पॉन्सर हैं और हमारे बीच जेके ग्रुप के ओनर श्री अभिषेक जी संचेती स्टेज में मौजूद। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। क्या क्या कमाल का शॉट, यही करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन इस बार सक्सेस मिला निशांत को पहली ही गेंद पर अपना खाता खोलते हुए। अब श्रेयक स्ट्राइक पर 2 अच्छे 6 लगाकर बल्लेबाजी करते हुए अंतिम 4 गेंदें आना से कम 3 छक्के तो लगने ही चाहिए ताकि कुछ रन्स स्कोर बोर्ड पर हों और डिफेंस के लिए कुछ तो रन रहे। हालांकि 80 से कम रन कुछ ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं होगा टीम सुपर डैडी के लिए। फुल टॉस बॉल और सिंगल ओनली, शायद स्लोअर गति की गेंद थी, हालांकि गैप नहीं ढूंढ पाए वहां पर श्रेयक, फलस्वरूप सिर्फ 1 रन तो स्कोर अब पहुंच गया 54 रन। अंतिम ओवर की 3 गेंदे और आना शेष, अंतिम जोड़ी भी मैदान पर नगीना जेम्स के लिए। दैट्स आउट, ऑल आउट होते हुए यहां पर
आसानी से इस विक्ट्री को हासिल करने की ओर अग्रसर होते हुए अब कप्तान स्ट्राइक पर आ गए हैं श्रेनिक जैन। लेग स्टंप के काफी बाहर हमारे मुख्य अंपायर संजय साहू जी के द्वारा। बहुत ही अच्छा लॉफ्टेड शॉट ओवर कवर्स फॉर बेहतरीन फील्ड वहां पर शानदार फील्डिंग अंकित के द्वारा कमाल की फील्डिंग दो रन लेने का पूरा मौका। एफर्ट में कोई भी कमी नहीं वहां पर नगीना जेम्स के भाई अंकित के द्वारा। हालांकि रन उनके खाते में कुछ ज्यादा नहीं फिर भी किसी भी प्रकार का चूक नहीं करते हुए क्या कमाल की गेंदबाजी डॉट बॉल आता हुआ। बहुत ही शानदार पुल शॉट शॉर्ट आर्म पुल रोहित शर्मा के स्टाइल में स्क्वायर लेग रीजन के ऊपर से चार रनों के लिए और शानदार चौके के स्पॉन्सर हैं हमारे हाईवे टायर्स हर रोड पर चलता है। और इस बीच एक ओवर की समाप्ति पर आठ रन पहुंच चुका है टीम सुपर 30 का स्कोर। मेहुल कोठारी नए गेंदबाज एक लॉन्ग ऑन यहां पर तैनात किया है माफी चाहूंगा डीप मिड विकेट तैनात किया है। पटकी गेंद क्या जबरदस्त तरीके से गाइड किया स्क्वायर लेग रीजन में हालांकि एक ही रन मिलेगा लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी जितनी अच्छी गेंद उतना ही अच्छा शॉट भी यहां पर श्रेयांश के बल्ले से बिना किसी अतिरिक्त एक्स्ट्रा रिस्क उठाए इस मुकाबले को आसानी से जीत सकती है सुपर डैडी। अकॉर्डिंग टू गेंदबाज गेंदबाजी खेलने की बस जरूरत है। ओहो क्या छूटा वहां पर अच्छा प्रयास था वहां पर बहुत ही अच्छी गेंद मेहुल कोठारी की बहुत ही अच्छी वैरायटी से गेंदबाजी करते हुए इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ जरूर थी लेकिन काफी तेज तर्रार उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे ऐसा लगा श्रेनिक क्या कमाल का छक्का क्या जबरदस्त शॉट ओवर पिच बॉल और उस पर सही नसीहत देते हुए बेहतरीन लॉफ्टेड शॉट। तो धीरे धीरे इस मैच पर पूरी तरह अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मात्र 40 रनों की ओर दरकार है इस महामुकाबले को जीतकर क्वालिफाई टू में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए जहां उनका मुकाबला होगा कांगेर
किंग्स के मध्य। अब यहां पर थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली, डीप मिड विकेट लिया, स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग के बदले डीप मिड विकेट लिया है, और अब क्या प्लान होता है मेहुल का देखना है। अब तक इस मुकाबले में सुपर डैडी एक तरफा डोमिनेट करती हुई अगेंस्ट टीम नगीना जेम्स। फुल टच बॉल और सेट खड़ा हो गया यहां पर, कैच आउट होंगे क्या? जी हां, स्लोवर फुल टॉस थी और एक बड़ा विकेट श्रेणी का हासिल करते हुए स्लोवर फुल टॉस गेंद, सही तरह बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, फलस्वरूप पलाश के हाथों तो अपना विकेट देकर पवेलियन जाते हुए और नए बल्लेबाज नमन लोढ़ा। एक और अच्छे ताबड़तोड़ बल्लेबाज यहां पर वन डाउन बल्लेबाजी करने आए हैं, सर्कल का अभी भी ओवर प्रगति पर, इस ओवर में 7 रन अब तक खर्च हुए हैं और एक अच्छा विकेट कप्तान का लेते हुए मेहुल। ऑफ साइड के फील्डर को सर्कल में वापस बुलाया और लॉन्ग ऑन और मिड विकेट रखा हुआ है। ओहो हो, यॉर्कर गेंद, डॉट बॉल, और 2 ओवर की समाप्ति पर 19 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर टीम सुपर डैडी। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव देखने को मिला नमन के बल्ले से, बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव, दर्शनीय शॉट, और अमोल नाहटा इज द न्यू बॉलर फॉर टीम। नगीना जेम्स ही विल बोल हिज ओवर फ्रॉम द पूनम मार्केटिंग एंड। तो जो चौवा आपने पिछले ओवर के अंतिम गेंद में देखा दोस्तों, उसके स्पॉन्सर हैं हाईवे टायर्स, इस टूर्नामेंट में लगने वाले हर सिक्सेस मैक्सिमम के स्पॉन्सर हैं लॉन्ड्री हाउस, तो वहीं हर बाउंड्री के स्पॉन्सर हैं हाईवे टायर्स। इस टूर्नामेंट में टाइटल स्पॉन्सर हमारे जेके ग्रुप्स, हम उनका दिल से आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं हमारे अभिषेक संचेती जी की ओर, हमारे एंड स्पॉन्सर एस स्पोर्ट्स एवं पूनम मार्केटिंग, और अनमोल अमोल अपनी
काफ़ी अच्छा यहाँ पर लेग की दिशा में ड्राइव किया है, एक ही रन मिलेगा वहाँ पर, थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई लेकिन कोई नुकसान नहीं उस मिसफील्डिंग से। पटकी हुई गेंद सीधा उनके बॉडी लाइन में, फलस्वरूप डॉट बॉल आता हुआ। क्या बात है, क्या बात है, अरे यहां पर रन आउट नहीं हो सके, थोड़ी सी खराब फील्डिंग मैं कहूंगा, यदि कीपर के हाथों में डायरेक्ट दे देते वहां पर तो निश्चित ही एक बड़ा विकेट नमन का मिल सकता था, लेकिन अंततः सुरक्षित अपनी क्रीज में भाई नमन। और इस बीच दोनों ही बल्लेबाज रिस्की सिंगल लेते हुए यहां पर, अननेसेसरी सिंगल मैं कहूंगा, हालांकि फंबल जरूर हुआ लेकिन इस तरह के फंबल पर जनरली देखा गया है कि विकेट आता ही है, परंतु दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने अपने क्रीज पर। ओहो, स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे डॉट बॉल। तो इस बीच तीसरा ओवर समाप्त हुआ, अब 42 गेंदों में 33 रनों की दरखास्त इस मैच को यहां से जीतने के लिए टीम सुपर डैडी को। मेहुल एक बार फिर अपनी टीम के लिए अगला ओवर लेकर बहुत अच्छी शुरुआत बीट कराए बल्लेबाज को, लेकिन इनसाइड एज लगकर बॉल गई शॉर्ट डीप फाइन लेग की दिशा में, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे हालांकि दोनों ही बल्लेबाजों को। तो यह पारी धीरे 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 अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती हुई टीम सुपर डैडी के लिए, और एक अच्छा मुकाबला जीतने की ओर बढ़ते हुए। बहुत ही अच्छी स्लोअर गेंद, हालांकि फुल टॉस हुई और अच्छी फील्डिंग, एंड द एंड विल इट बी अ रन आउट, नो, दिस टाइम वंस अगेन इट्स अ क्विक रनिंग
ऑलमोस्ट अंतिम दो रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। अभी भी चौथा ओवर प्रगतिशील, बहुत ही तेज गेंद, उतना ही अच्छा करारा शॉट कवर्स की दिशा में, लेकिन एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर करते हुए नगीना जेम्स के सभी खिलाड़ी मैच को गिव अप नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंत तक लड़ने का उनका प्रयास जारी है। अब मात्र 29 रनों की और दरकार 39 गेंदों में। क्या बात है, परफेक्ट यॉर्कर और उतना ही अच्छा टाइमिंग भरा ड्राइव टुवर्ड्स द लॉन्ग ऑफ, दैट्स अ वेरी गुड क्रिकेट गोइंग ऑन। जितनी अच्छी गेंदबाजी उतनी अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, एकदम सेंसिबल नॉक चलता हुआ श्रेयांश झाबक का। मालूम है कि उन्हें यह मुकाबला केवल जीतना है, रन रेट में कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार का रिक्वायर्ड नहीं, तो जीत की ओर अग्रसर होते हुए अपनी टीम के लिए श्रेयांश और नमन। क्या इस बार सही सोच, लेकिन यहां पर इस बार रन ले लेंगे ओवर थ्रो में, और खराब फील्डिंग, वहां पर रन था ही नहीं, रन था ही नहीं वहां, क्योंकि डायरेक्ट हिट होता तो हालांकि मुश्किल में पड़ते नजर आते, लेकिन इस तरह का रन आउट होना बहुत ही मुश्किल भरा काम। और दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग दिखाई है इस मैच में, धीरे धीरे एक सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए, किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हवाई फायर लगाने के मामले में। ओहो, स्लो डिलीवरी, अच्छी स्लोवर डिलीवरी, रिवर्सिप शॉट खेलने का प्रयास, बैट और पैर के मध्य से बॉल होकर सीधा बिहाइंड द विकेट विकेट कीपर के पास और डॉट बॉल। ओवर का समापन, तो मेहुल का दो ओवर का स्पेल समाप्त होता हुआ, मात्र एक विकेट हासिल किया और 17 रन दिए। अब नए गेंदबाज एक बार फिर अमोल, 36 गेंदों में मात्र 27 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतकर फाइनल क्वालिफाई टू में जगह बनाने के लिए सुपर डैडी को। काफी आसान सा यह लक्ष्य नजर आता हो अब तो, जिसे और भी आसानी से आसान बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज श्रेयांश और नमन। क्या बात है, राइट ऑन इस बार, ओहो, थोड़ा सा लेग बाई, जी हाँ लेग बाई के रूप में इस ओवर की शुरुआत। यदि नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो करते और यदि डायरेक्ट हिट हो भी जाता तो बिल्कुल एक विकेट मिल जाता। बहुत ही अच्छी बैटिंग, सेंसिबल, जरूर फुल टॉस बॉल थी लेकिन उस पर भी सिंगल लेते हुए बिना किसी टेंशन के अच्छी बल्लेबाजी। अच्छा चलता हो यह मुकाबला और धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ती हुई टीम सुपर डैडी अपनी स्थान क्वालिफाई टू में सुरक्षित करने के मंशा लिए।
ओहो क्या कमाल की डिलीवरी, बॉल जाकर सीधा उनके शोल्डर में लगी और स्ट्रेट डिसीजन फ्रॉम द मेन अंपायर और टॉट बॉल। कुछ नया करने का प्रयास था वहां पर अमोल का, लेकिन गेंद को फुल टॉस में तब्दील किया और एक बड़ा सिक्स लगाते हुए तो नमन का यहां पर आतिशी पारी देखने को मिल रहा है। बेहतरीन लॉफ्टेड शॉट ओवर मिड विकेट फॉर सिक्स। नाउ ओनली 19 रन टू विन दिस मैच। हाँ हाँ कैच का हाफ चांस बना था वहां पर लेकिन ग्रैब नहीं कर सके और डॉट। और ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ यहां पर स्पॉन्सर्ड बाय टाटा कूपर साई ब्रेवरेज जीने का पानी।
एक अच्छा हुक शॉट देखने को मिला नमन से, तो वहीं एक कमाल की स्लोअर गति की गेंदबाजी पलाश के द्वारा। ओहो क्या बात है, तेज तर्रार गेंदबाजी, फिर से पुल करने का प्रयास था भाई नमन का, लेकिन फिर से बॉल जाकर सीधा पैरों में लगी और डॉट बॉल। महज 12 रन दूर एक बड़े मुकाबले में अपना इंटर करने के लिए टीम सुपर डैडी क्वालिफाइड टू। शुड बी अ वाइड, यस इट इज। क्या कमाल का शॉट, आउट ऑफ द पार्क फॉर सिक्स। और इस बीच यह मुकाबला 9 विकेट से जीती हुई टीम सुपर डैडी